हेलो क्लास, हिंदी में हम लोग सेवन चैप्टर पढ़ेंगे ना। सेवन चैप्टर है काकी की कहावतें और मौसी के मुहावरे। ये चैप्टर का नाम है काकी की कहावतें और मौसी की मुहावरे। ये कहावतें और मुहावरे क्या होता है? जब हम लोग बातचीत करते हैं तो बातों बातों हम लोग कुछ कहावतें या मुहावरे बोल जाते हैं ना, जिसका कुछ अलग ही अर्थ निकलता है। ठीक है, मुहावरों पर आधारित वार्ता। यहां पर बातचीत दिया गया है चैप्टर में, है ना, उसमें मुहावरे बहुत सारे बोले गए हैं ना। तो पढ़कर हम लोग देखते हैं क्या मुहावरे क्या कहावते हैं। जब दो स्त्रियां बातें करती हैं तो प्रायः अनेक मुहावरों और कहावतों का प्रयोग सहज रूप में ही करती है। जब दो स्त्रियां यानी कि जब दो औरतें बैठ के बातचीत करती है तो वे प्रायः क्या बोलती है? बातों बातों में कुछ मुहावरे बोलती है, कुछ कहावतें बोलती है ना। आसानी से वो उन कहावतों मुहावरों को बोल जाती है ना बात बात में। यहां ऐसी ही एक रोचक वार्ता दी जा रही है। यहां यानी कि जो चैप्टर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं उसमें कुछ इंटरेस्टिंग बातचीत लिखा हुआ है ना, जहां अधेड़ उम्र की दो महिलाएं गप सप कर रही है। यहां पर दो महिला है यानी कि औरत जो है वो अधिक उम्र की है और वो आपस में गप सप कर रही है ना, बातचीत कर रही है। काकी कहती है, क्या कहती है काकी? आओ आओ सुनैना बहन, मैं तुम्हें ही याद कर रही थी, है ना। काकी बोलती है कि सुनैना को, सुनैना बहन आओ आओ मैं तुम्हें ही याद कर रही थी। तब मौसी बोलती है, हाँ बहन, कल बेटी सौम्या भी कह रही थी कि मौसी आपको दादी जी बुला रही है। ठीक है, मौसी जी क्या कहती है कि हाँ बहन, कल बेटी सौम्या भी कह रही थी, उसकी बेटी सौम्या उसको बोल रही थी कि मौसी आपको दादी जी बुला रही है, है ना। उसकी बेटी दादी जी हुई ना, तो बोली दादी जी आपको बुला रही है। तो काकी कहती है, भाई बड़ी होशियार बच्ची है, मेरा सारा काम चुटकियों में कर देती है, है ना। बेटी की बड़ाई करती है, क्या बोलती है? बड़ी होशियार है, है ना, बड़ी होशियार बच्ची है, मेरा काम चुटकियों में कर, चुटकियों मतलब आसानी से तुरंत कर देती है, है ना, चुटकियों में कर देती है। ये क्या है? ये भी कहावत है कि चुटकियों में काम करना यानी कि बहुत जल्दी में काम कर देना, है तुरंत। मौसी कहती है, अभी इसकी उम्र ही क्या है, देखना ये तुम सबका नाम रोशन करेगी। तब मौसी क्या बोलती है कि अभी इसकी उम्र क्या, यानी कि उम्र अभी इसका छोटा है, जब बड़ी हो जाएगी तो देखना ये क्या करेगी, सबका नाम रोशन करेगी, मतलब कुछ बनेगी, बड़ी होकर ऐसा कुछ काम करे जिससे सबका नाम होगा। यहां पर नाम रोशन करना है ना, तो ये भी एक क्या हुआ, कहावत होगी, है ना। काकी बोलती है, हाँ होनहार बिरवान के होत चिकने पात। क्या बोलती है काकी कि हाँ होनहार बिरबान के हो चिकने पात, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि जो होनहार होते हैं, है ना, जो होशियार होते हैं उनकी प्रतिभा बचपन में ही दिखाई देती है, इसीलिए अभी ही इसका दिख रहा है कि ये बड़ी होकर कुछ करेगी, है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि जो होनहार दिखते हैं ना उसकी प्रतिभा बचपन से ही दिखती है। यह पढ़ाई में भी सबसे आगे रहती है, है ना, पढ़ने में भी होशियार है, पढ़ाई में भी ये सबसे आगे रहती है, काकी बोलती है। मौसी बोलती है, नीरज कहीं दिखाई नहीं दे रहा, है ना। मौसी काकी से पूछती है कि नीरज कहीं दिखाई नहीं दे रहा, काकी बोलती है, उसका क्या है, अपने में ही मस्त रहता है। नीरज के बारे में बोलती है काकी कि उसका क्या है, वो तो अपने में मस्त रहता है, उसे तो न उधो का लेना न माधो का देना, है ना। वो बातों बातों में क्या बोलती है कि न उधो का लेना ना माधो का देना, मतलब जिसका किसी से कोई मतलब नहीं रहता वो अपने मस्त रहता है, उसको बोला जाता है न उधो का लेना ना माधो का देना, यानी किसी से कोई मतलब नहीं, सिर्फ अपने से मतलब है। तब मौसी बोलती है, और विमल आजकल क्या कर रहा है, विमल के बारे में पूछती है। तो काकी बोलती है, करना क्या है, जिद कर रहा है कि पहले उसे कंप्यूटर दिलवाओ तब वह आगे पढ़ेगा। काकी बोलती है कि विमल के बारे में कि वो जिद कर रहा है कि उसको कंप्यूटर खरीद दो पहले, है ना, कंप्यूटर खरीदेगा तभी वो आगे
पढ़ेगा, ऐसा विमल बोलता है, काकी बता रही है ना। अब हम जैसे साधारण आमदनी वाले लोगों के लिए इतनी महंगी वस्तु लेना कोई बच्चों का खेल तो है नहीं। क्या बोला? हम जैसे साधारण आमदनी, यानी कम कमाने वाला आदमी को बोलते हैं साधारण आमदनी, है ना। कम कमाने वाले आदमी लोगों के लिए महंगी वस्तु लेना, है ना, अधिक पैसे की वस्तु लेना कोई बच्चों का खेल तो है नहीं। बच्चों का खेल मतलब जैसे खिलौना लेते हैं कम दाम में, उसी तरह से बच्चों का खेल नहीं है कंप्यूटर लेना, बताती है। खैर तुम अपनी सुनाओ, बहू कैसी है, है ना। फिर काकी बोलती है मौसी को कि खैर तुम अपनी सुनाओ कि तुम्हारी बहू कैसी है। मौसी बोलती है, कुछ मत पूछो बहन, उसका तो गुस्सा हमेशा नाक पर रहता है। क्या बोलती है मौसी? कि पूछो मत बहन, उसका गुस्सा नाक पर, यानी कि बहुत गुस्सा उसको आता है। मेरे लिए तो वह जी का जंजाल बन गई है, यानी कि मुसीबत का पहाड़, है ना। बहुत मुसीबत करती है, जी का जंजाल मतलब बहुत मुसीबत पालना, वो मेरे लिए बहुत मुसीबत बन गई है। काकी, ना ना ऐसा मत सोचो, और बेटे शोभित का क्या हाल है? बोलती है जी का जंजाल है बहू के बारे में, बोलती है ऐसा मत सोचो, है ना, अपने बेटे शोभित के बारे में बताओ उसका क्या हाल है। मौसी बोलती है, क्या कहूं, उसने लोन पर घर लिया था, उस पर बहन की शादी पर खर्च भी करना पड़ा, है ना। शोभित के बारे में मौसी बताती है कि क्या कहूं, उसने लोन पर घर लिया था, है ना, घर जो जिसमें घर में रह रहे हैं वो लोन पर लिया था, उस पर बहन की शादी, बहन का शादी का भी खर्च भी उसको करना पड़ा, तो वो कोल्हू का बैल बनकर रह गया है, यानी कि बहुत मेहनत कर रहा है। कोल्हू का बैल मतलब बहुत मेहनत करना और कम आमदनी होना, कम पैसे कमाना, तो बोलता वो कोल्हू का बैल बनकर रह गया है। काकी बोलती है, और तुम्हारी देवरानी कैसी है, देवरानी के बारे में पूछती है। मौसी बोलती है, कुछ मत पूछो, है ना, देवरानी के बारे में जब पूछती है तो मौसी क्या बोलती है, कुछ मत पूछो, रात दिन अपने मायके की डिंग हांकती रहती है। डिंग हांकना मतलब बड़े बड़े बात करना, है ना, अपने मायके के बारे में बड़े बड़े बातें करती रहती है खाली देवरानी, है ना। थोथा चना बाजे घना, थोथा चना बाजे घना मतलब अपने गुण होने पर भी गुण होने का दिखावा, ठीक है। उसके पास कोई गुण है नहीं वैसा, लेकिन अपने गुण का बढ़ावा करेगी, हम ऐसे हैं, हम वैसे हैं, मेरे मायके में ये है, उस तरह का वो दिन रात अपने मायके का डिंग हांकती रहती है ना। काकी बोलती है, और रामू गांव से आया कि नहीं? तो मौसी बोलती है, आ तो गया, पर दो काम फालतू कर देगा तो कहेगा बस। क्या बोलता है? कि आया है, पर अगर दो काम कर लेगा ना तो बोल देगा फालतू कर देगा, मैंने ऐसा कर देगा, बिगड़ जाएगा, और कहेगा बस, अब मैं थक गया हूं, खुद कर लो। क्या बोलता है? हम बहुत थक गए, अब खुद कर लो। क्या कहूं, पढ़ा लिखा तो है नहीं, उस पर उसका चिड़चिड़ा स्वभाव, एक तो पढ़ा लिखा है नहीं और दूसरा उसका चिड़चिड़ा स्वभाव मतलब गुस्सा करता है, एक तो करेला दूसरा नीम चढ़ा। इसका मतलब क्या हुआ? कि बुरे व्यक्ति का बुरे संगति में पढ़कर और बुरा बन जाना, है ना, इसका मतलब यही होता है। बुरा व्यक्ति है और दूसरा संगति बुरा व्यक्ति है, उसके साथ पढ़कर और बुरा बन जाना, है ना, एक तो करेला दूसरा नीम चढ़ा, इसका यही अर्थ होता है ना। काकी कहती है, क्या करें, मन मारकर समझौता तो करना ही पड़ता है। काकी उसको समझाती, बोलती है, क्या करें, मन मारकर समझौता तो करना ही पड़ता है। मन मारकर ना मतलब चाहती है कुछ करना लेकिन कुछ कर नहीं पाती, उसको बोलते हैं मन मारना, इसीलिए समझौता करके ही रहना पड़ता है। मौसी कहती है, हां बहन, इसी का नाम है जीवन। मौसी बोलती है, हां बहन, इसी का नाम है जीवन, कि मन मारकर रहो, समझौता कर लो किसी तरह से। काकी, लो चाय आ गई, पियो बहन। फिर काकी बोलती है कि लो बहन चाय पियो, है ना। इस तरह से काकी और मौसी का यहां पर बातचीत हुआ और दोनों के बीच में बहुत सारी कहावतें और हम लोग मुहावरे पढ़े, है ना, पढ़कर अच्छा लगा होगा आप लोग को, ठीक है। अब नेक्स्ट है अभ्यास, वो आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप से करेंगे, उसे अपनी कॉपी में लिख के याद करेंगे, ओके।